अभिनंदन के लिए मैं बिना विलंब किए बाद में करेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, गिरिडीह वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होगी क्या गिरिडीह वालों की? देखिए मोदी जी कानपुर है, कानपुर, कानपुर में मालूम पड़ना चाहिए गिरिडीह में शाहबादी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी भाई नंद किशोर यादव जी, हमारे संयोजक उत्तर प्रदेश के सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, आज मैं यहां एक गिरिडीह की महान भूमि पर जिनको जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई निर्भय कुमार शाहबादी जी, श्री प्रणव वर्मा जी, श्री नागेंद्र महतो जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री सुनील पासवान जी, जयप्रकाश वर्मा जी, प्रदीप साहू जी, प्रकाश संत जी, श्री रविंद्र कुमार राय जी, श्री दिनेश यादव जी, और आज गिरिडीह की ये ऐतिहासिक भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले गिरिडीह की ये महान भूमि पर आकर मैं बाबा वैद्यनाथ और शक्तिपीठ जय दुर्गा शक्ति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पवित्र भूमि जहां पारसनाथ की पहाड़ियां आई है, वहां जैन समुदाय के 23 तीर्थंकरों ने यहां पर तपस्या कर समग्र जगत के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया है। यही वो गिरिडीह की महान भूमि है। और ये गिरिडीह की भूमि जो पांडुलिपियां उपलब्ध है, इसके आधार पर महान मुंडा राजाओं की ये राजधानी गिरिडीह को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मैं अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव और दो जुड़वा बहने फूलो जानो को भी प्रणाम कर वो अमर हुतात्माताओं को मेरी श्रद्धांजलि अमर अर्पित करता हूं। मित्रों, आज झारखंड के चुनाव के अंदर मैं कई दिन से घूम रहा हूं, पूरे झारखंड के अंदर झारखंड की जनता तय कर बैठी है कि इस बार कमल फूल की सरकार फिर एक बार बनानी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाना है। आप लोग
कुछ ही दिनों के अंदर जब अपना वोट देने के लिए जाएंगे, मैं आपको अपील करने आया हूं, आपका एक वोट हमारे भाई साहब आदी को विधायक बनाएगा, इसलिए वोट मत दीजिए। कोई मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इसलिए वोट मत दीजिए। कमल के निशान पर आपने दिया हुआ वोट झारखंड और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा, इसलिए वोटिंग करनी है। मित्रों, ये गिरिडीह झारखंड की इकोनॉमी में, वाणिज्य में एक उभरता हुआ शहर। झारखंड के अंदर आज जो गठबंधन सामने है वो राजनीतिक फायदा उठाने वाला गठबंधन है। मैं भाई हेमंत को पूछना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस कांग्रेस की गोदी में बैठकर आप आए हो, झारखंड के युवाओं पर गोली चलाने वाली वही कांग्रेस थी। मैं आपको, झारखंड की जनता को याद दिलाने आया हूं कि समग्र झारखंड जब अलग झारखंड राज्य की मांग के साथ आंदोलन कर रहा था, झारखंड के युवा, आदिवासी युवा, पिछड़े समाज के युवा रोड पर थे, पुलिस लाठियां भांज रही थी, टीयर गैस दाग रही थी, गोलियां चला रही थी, उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध कौन कर रहा था? हेमंत बाबू, आप भूल गए हो, सत्ता के नशे में आंख पर पट्टी बांधी है। मैं आपको कहने चाहा हूं, यही कांग्रेस और आरजेडी थे जो झारखंड का विरोध करते थे, झारखंड को बनने के लिए रास्ते में रोड़ा उठकाए हुए थे। झारखंड को किसने बनाया? माताओं, भाई बहनों, भाइयों, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की कमल की सरकार बनी, अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया, झारखंड को बनाने न का। और जिस झारखंड को अटल जी ने बनाया, उस झारखंड को 5 साल में रघुवर दास और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने झारखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है, विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। जिस झारखंड के अंदर नक्सलवादियों का नंगा नाच दिखाई पड़ता था, आज मैं कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी ने नक्सलवादियों को 20 फुट नीचे जमीन में दबा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मुझे बताओ माताओं बहनों, मुझे बताओ युवाओं, नक्सलवाद के रहते झारखंड का विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? और एक कांग्रेस और एक हेमंत सोरेन की सरकार नक्सलवाद को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? नक्सलवाद को केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही। और मित्रों, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जब मौका मिला झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं करी। यहां से थैले के थैले भरकर दिल्ली के दरबार में रुपया ले जाते थे, जो रुपया मेरे झारखंड के गरीब युवाओं के विकास के लिए रुपया था। आपने यहां पर एक सरकार बनाई, जो सरकार गरीबों की सरकार बनी, जो सरकार विकास की सरकार बनी, और आज झारखंड विकास के रास्ते पर आगे चल गया है। मैं सिर्फ गिरिडीह की पहले बात करता हूं, सिर्फ गिरिडीह क्षेत्र के अंदर, बड्डीह के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय सिर्फ गिरिडीह शहर के अंदर, सिर्फ गिरिडीह शहर के अंदर 6 से ज्यादा बगीचे बनाकर
गिरिडीह को ग्रीन बनाने का काम किया है। पूर्वी मंडल के अंदर बराकर नदी पर पुल बनाकर 50 साल पुरानी समस्या का समाधान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक गिरिडीह क्षेत्र के अंदर 237 करोड़ रुपया खर्च कर 275 किलोमीटर रोड का जाला बुनकर आज युवाओं को आने जाने की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70-70 साल तक ये कांग्रेस की सरकार चली, गरीबों के घर में बिजली नहीं जाती थी, आदिवासियों के घर में, पिछड़ा समाज के घर में, दलितों के घर में बिजली नहीं पहुंचती थी। आज ये विधानसभा का 370 से 70 गांव में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और रघुवर दास ने समाप्त कर दिया। माताएं बहनें बैठी यहां पर, 70 साल ये राहुल बाबा की पार्टी ने शासन किया। अरे काहे को भाई बिचारे का मजाक उड़ा रहे हो, इनकी पार्टी ने चार पीढ़ी तक शासन किया, मगर गरीब माताओं के लिए, गरीब बहनों के लिए, गरीब बेटियों के लिए शौचालय का काम नहीं कर पाए थे। गरीब घर की माताओं बहनों को कुदरती प्रक्रिया के लिए शर्म के मारे खुले में कुदरती प्रक्रिया के लिए जाना पड़ता था। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ एक गरीब मां का बेटा है, गरीब मां का लाल आज देश का प्रधानमंत्री बना है। उसको मालूम है कि गरीबों की तकलीफ क्या है। सिर्फ एक गिरिडीह क्षेत्र के अंदर 45,000 से ज्यादा शौचालय गरीब के घर में बनाकर लाखों माताओं बहनों को शर्म से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1,22,169 छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका जीवन का रास्ता प्रशस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 28,214 युवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को साइकिल देकर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने कराने का काम ये रघुवर दास की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,911 गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, गरीब का घर, इसकी रसोई धुएं से भरी हुई होती थी, गरीब मां चूल्हा फूंक फूंक कर खाना पकाती थी, इसकी नेत्र की ज्योति चली जाती थी, छह फेफड़े धुएं से भर जाते थे, फाइब्रोसिस हो जाती थी। 50 साल होते होते मां बिचारी बुढ़िया दिखने लगती थी क्योंकि घर धुएं से भरा हुआ होता। 70-70 साल तक इस सोनिया राहुल की पार्टी ने एक गरीब मां की चिंता नहीं करी थी। आपने आशीर्वाद दिया, 14 में से 12 सीटें कमल की झोली में डाल दी और नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में 40,000 सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देकर उनकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, गिरिडीह क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक घोषणा पत्र लेकर आई। मैं आज मेरे झारखंड के ओबीसी समाज के सभी युवाओं को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो। आदिवासी और दलितों का आरक्षण कम करे बगैर
पिछड़ा समाज के बच्चों को आरक्षण बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। किसानों और दुकानदारों का बीमा ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने वाली है। सरकारी नौकरियों में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन हम देने वाले हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, भाजपा की सरकार ने 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के किसानों को मोदी जी की योजना मिलाकर 25,000 रुपये की सहाय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माता बहने अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे तो सिर्फ 1 रुपये में रजिस्ट्री करने की शुरुआत करी। 70 साल के अंदर झारखंड के अंदर 22,000 किलोमीटर रोड बने थे। कितने बने थे बोलो भाई, और जोर से बोलो कितने बने थे? एक और 70 साल के 22,000 किलोमीटर और 5 साल में 22,865 किलोमीटर रोड बनने का काम ये भारतीय जनता। ये राहुल बाबा काहे को शोर शराबा करते हो भाई? आपके 55 साल का हिसाब और हमारा 5 साल का हिसाब लेकर आ जाओ गिरिडीह के चौराहे पर, मेरे युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपको हिसाब किताब दे देगा कि हमने ज्यादा काम किया है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सखी मंडल के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को रोजगार दिया। लगभग 2,10,000 हेक्टर 2,10,000 हेक्टर भूमि में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा किया। और भगवान बिरसा मुंडा और टाना भगत के नाम से स्मारक बनाने का काम भी अब तक हेमंत सोरेन आपने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने का काम किया। 329 एम्बुलेंस फैलाकर मोदी जी ने 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य फ्री करा है। इसका फायदा नीचे तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा देवगढ़ की नगरी में एक बड़ा एम्स बन रहा है। एक क्षेत्र के लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, 2 साल के बाद वहीं आपका इलाज हो पाएगा। देवगढ़, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट बनाना शुरू किया है। रांची में कैंसर अस्पताल बननी शुरू हो गई है। परातू में 4,000 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगा दिया है। हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत की है, जिससे मेरे झारखंड के युवा डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा कर पाएंगे। सिंदरी का कारखाना चालू किया है और ढेर सारे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। मित्रों, मैं आज इस मंच से ये हजारों लोगों के सामने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपने ये 55 साल में मेरे झारखंड के लिए क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब लेकर आइए तो मालूम पड़े। मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए हिसाब? जोर से बोले मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? ये पहले लाइन में बैठे हुए बोले मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए भाई? तो कांग्रेस वाले प्रचार में आए, जामुमो वाले आए तो मांगोगे क्या? जोर से बोलो मांगोगे? अरे वो नहीं देंगे जवाब, मैं दे देता हूं आपको। इन्होंने कुछ नहीं करा। भैया सुन लो, ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 5 साल चली। 5 साल में उन्होंने झारखंड को 55,253 करोड़ रुपया दिया। 55,253। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, रघुवर दास की सरकार बनाई, 5 साल में 55,000 के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 3,08,487
करोड़ रुपया झारखंड के विकास के लिए। और ये विकास की बात करते हैं मित्रों, ये झारखंड की जनता को गुमराह। मैंने अभी हेमंत जी का भाषण सुना, राहुल बाबा का भी भाषण सुना, अजीब वो गरीब बात करते हैं। कहते हैं झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेना देना है। मुझे बताओ भाई, झारखंड की जनता बताए, कश्मीर भारत का हिस्सा बने आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? पीछे माता बहने बताए, चाहते हैं या नहीं चाहते? अरे आपने 14 में से 12 सीटें दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पहले ही सत्र में धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। और मित्रों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व के सामने गौरव के साथ खड़ा है। कश्मीर के अंदर आज भारत का तिरंगा फहराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ भाई, ये राहुल गांधी कहते हैं झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे राहुल बाबा, आपको देश का इतिहास मालूम नहीं है। कश्मीर बचाने के लिए सबसे ज्यादा शहादत मेरे झारखंड के युवाओं ने दी है। झारखंड के सेना के अंदर, झारखंड के युवा सीआरपीएफ के अंदर, झारखंड के युवा एक कश्मीर के लिए बर्फीली पहाड़ियों पर अपना लहू बहा है। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं। मित्रों, ये कहते हैं हमने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला सुना दिया। बड़ी लंबी सुनवाई चली, 100 साल से फैसला अदालत में लंबित था। 2014 में जब सुनवाई आई, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल कहते हैं अभी मत सुनो, क्या जल्दी है। मुझे बताओ भाइयों, माताएं बताएं पीछे बैठी हैं, आप चाहते हैं कि नहीं? जहां रामलला का जन्म हुआ था वो अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बने, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पीछे बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? स्टेडियम वाले बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? कांग्रेस ने सालों तक मसले को लटका कर रखा, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। मैं आपको बताता हूं, कुछ ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, इसके आधार पर आसमान को छूने वाला भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या के, इसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये देश सुरक्षित रहे झारखंड वाले चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उस और बोलो भाई, चाहते हो या नहीं चाहते हो? ये सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, 5 साल तक 10 साल तक चली, आलिया मालिया जमालिया हर रोज घुस जाते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे और कोई कुछ नहीं बोलता था, मोनी बाबा के मुंह से ऊप तक नहीं निकला। अब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को लगा क्या फर्क पड़ा है भैया, तो उरी और पुलवामा में हमला कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि उरी और पुलवामा में हमला तो कर रहे हैं, मगर इस बार मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच की छाती वाला मोदी प्रधानमंत्री। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, उरी और पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सेना और एयरफोर्स को हुक्म दिया पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला कर पाकिस्तान के आतंकवादियों के फुर्चे उड़ा कर। और ये लोग कह रहे हैं कि इस मुद्दे का झारखंड से क्या लेन देन? भाई झारखंड वालों बताओ,
देश सुरक्षित रहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो या नहीं चाहते हो? ये राहुल बाबा कहता है कि भाई देश की सुरक्षा और झारखंड का क्या लेन देन है। राहुल बाबा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा लगा है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मित्रों, अभी अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर हुआ है और उनके पेट में, इनको पेट में दर्द हो गया। सालों सालों से जो शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन जो शरणार्थी आए थे, नर्क की यातना झेल रहे, ना खाना था, ना पीना था, ना रोटी दी, ना घर था, ना बिजली दी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बूढ़ों की स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको नागरिक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये मुस्लिम विरोधी। कोई मुस्लिम विरोधी नहीं भाई, आपको तो आदत पड़ी है ऐसा बोलने की। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी, आप हमें कहते हो मुस्लिम विरोधी है। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया, आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है। हमने 370 हटाई, आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है। और अब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आग लगाने में पड़े हो, आग लगाने में पड़े हो। मगर मैं आज इस मन से आसाम और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी सामाजिक पहचान और उनके राजनीतिक अधिकार अक्षुण रहेंगे, इसको बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलती हुई सरकार की है, इसको हम तनिक मात्र भी आंच नहीं आने। कल मेघालय के मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री मुझे मिलने आए कि मेघालय में ये समस्या है। मैंने समझाया समस्या ही नहीं है, फिर भी उनका आग्रह था कि कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैंने श्री संगमा जी को कहा है कि आप नाताल से, क्रिसमस से फ्री हो जाओ, उसके बाद आओ, आराम से बैठकर सकारात्मक रूप से सोचकर मेघालय की समस्या का समाधान हम निकालेंगे, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सालों से हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स करती है, नक्सलवाद को बढ़ावा देती है, दंगे कराती है, आतंकवाद को कोई कठोर तरीके से मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आकर रोकता है तो उसमें उनको तुष्टीकरण दिखाई पड़ता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स भाजपा ने नहीं करी, आतंकवाद को बचाकर आज तक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी। कांग्रेस पार्टी माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज यहां आया हूं, हमारे दो प्रत्याशी आ गया हो भाई दोनों, एक ही है शाहबादी जी, मुझे बताओ सब लोग शाहबादी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जिताओगे? मगर जिताना है तो एक काम करना पड़ेगा। कितने लोगों के पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर करो, पीछे माताएं बहनें भी हाथ ऊपर करें, उस ओर भी हाथ ऊपर करो भाई, लगभग लगभग सबके पास रख लो। मेरी सभा समाप्त होने के बाद 50 फोन करना है, पूरे झारखंड में जहां जहां चुनाव बाकी है वहां फोन करना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना है। देखिए, बहन को, बहने को, माता को, पिता को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफी को, फूफा को, करोगे 50 फोन? सुनाई नहीं पड़ता, करोगे 50 फोन? कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? भाई साहब आदि को विधायक बनाओगे? रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब विधायक जी माननीय मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र देकर अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद। मोटा भाई, अब सभा की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। ओ मोटा भाई, गेम छोड़।